सबसे तो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये फेशियल ऑयल फेस पे अप्लाई करके देन स्किन में प्रेस कर दूंगी इसके पहले मैंने यूज़ किया था सेटाफिल का क्लिनजर और उससे थोड़ी देर मसाज करके फेस को क्लीन कर लिया था देन मैंने फेशियल ऑयल अप्लाई किया था उसके बाद अब मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ जो कि कैरसीड का ये मॉइस्चराइजर है फेस पे अप्लाई कर लूँगी देन प्राइमर के लिए मैंने ये लैकमी एब्सोल्यूट का प्राइमर लिया क्रीम बेस्ड प्राइमर है थोड़ी क्वांटिटी में टीजोन एरिया को फोकस करते हुए अप्लाई कर दूंगी ताकि मेकअप लॉन्ग लास्ट करे देन मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है जो कि है एलिगल प्रो का तो जितने भी काले काले तिल हैं उस सब पे अप्लाई करूंगी जो बड़े बड़े भी काले काले हो रखे हैं नीचे वो उसको पे भी ये ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करके देन फिंगर के उससे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी उसके बाद मैंने ये एलिगल प्रो का कंसीलर अप्लाई किया जो कि थोड़ा सा डार्क सेड है पहले इसको अप्लाई कर दूंगी कलर करेक्टर जहाँ जहाँ किया है देन इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के से ब्लेंड करूंगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर है फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है ये फॉर एवर फिफ्टी टू का फाउंडेशन फेस ऑन नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूंगी देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैबिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड करूंगी तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है टाइम देके ब्लेंड करना होता है ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर जो कि है ब्यूटी का कंसीलर अंडर आई एरिया ब्रिज ऑफ द नोज फोरहेड माउथ एरिया अप्लाई करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे भी डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर दूँगी तो ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है कंसीलर और फाउंडेशन हो अच्छे से ब्लेंड करना होता है देन मैंने ये लूज पाउडर लिया है जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का है अंडर आई एरिया जो लाइन पे फोरहेड पे अप्लाई कर दूंगी एक ब्रश की हेल्प से थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे छोड़ दूंगी देन ब्राउज को, को फिल कर लूँगी ब्रोपोमेट से जो कि है बेनिफिट का ब्रोपोमेट उसी के ब्रश की हेल्प से ब्राउज को फिल कर दूँगी उसके ब्राउज की सेप को देते हुए फ़िल कर लूँगी देन एक पुली की हेल्प से कॉम करके ब्राउज को सेट कर लूँगी लूज पाउडर जो अप्लाई किया था उसके एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दूंगी देन उसी से पूरा बेस सेट कर लूंगी नेक एरिया और आईलिड को भी साथ में सेट कर लूंगी देन मैं अब करूँगी आई मेकअप आई मेकअप के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का आई साइड पहले इसमें लाइट ब्राउन कलर लेके क्रीज़ पे पहले अप्लाई करूंगी आउटर वी पे और क्रीज़ पे अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर लूँगी तो सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड करना है तो वो पिंक ड्रेस पहनने वाली थी तो इसलिए मैं उसके आई लुक पिंक थोड़ा सा सिमरी पिंक रखूँगी ग्लिटरी पिंक आई लुक सॉफ्ट वाला देन मैंने ये पिंक कलर मैट पिंक कलर है इसको लिया एक ब्रश की हेल्प से आउटर भी पे प्लेस करूंगी और अंदर के साइड ब्लेंड करूँगी तो थोड़ा थोड़ा कलर ले ब्लेंड करना है एक साथ बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा कलर ब्रश में पिक करना है देन उसको ब्लेंड करना है अंदर के साइड देन इनर आईलेड पे भी प्लेस करूंगी और इसको भी अंदर के साइड ब्लेंड करूंगी देन इसी कलर को हल्का सा क्रीज पे भी ब्लेंड कर लूंगी तो ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है टाइम देखिए अच्छे से ब्लेंड करना होता है तभी आई लुक अच्छा होता है देन मैंने स्विस ब्यूटी का ये ग्लिटर आई शेडो लिया है और पहले हैंड से इसको थोड़ा सा निकालूंगी फिंगर खेल से इस पे ट पे प्लेस करूंगी मिडिल आईलेट पे बहुत हल्का हल्का सा आपको साईलेट पे नहीं है, तो बहुत थिक लेयर पे अप्लाई कर लूंगी के लिए लाइट ब्राउन कलर लिया है और लोअर लेस्ट लाइन के क्लोज क्लोज ब्लेंड कर लूंगी देन पिंक कलर लिया है उसके नीचे वन थर्ड पे ब्लेंड करूंगी देन ब्लैक कलर लिया है एक ब्रश की हेल्प से और उसको लोअर लेस लाइन की क्लोज क्लोज ब्लेंड करूंगी वन थर्ड पे ब्लेंड करना है लाइनर के लिए मैंने सुज ब्यूटी का लाइनर लिया है और एक विंग आई क्रिएट कर रही हूँ लाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया है जो कि लोरियल पैराडाइज का मस्कारा है लोअर एंड अपर लेसेस को मस्कारा से अच्छे से कोट कर लूँगी देन अप्लाई करूँगी फेक आई लेसेस तो ये पैक के ग्लू की हेल्प से फेक आई लेसेस को फिक्स कर दे रही हैं आई इस तो आई लेसेस लगाने के बाद आँखों का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है देन मैंने ये मेकअप रेवल्यूशन का फेस पैलेट लिया इसमें से ये कंट्रोल पाउडर लेके फेस की कंटोरिंग करूँगी तो फेस की कंटोरिंग करने से थोड़ा सा दिखता है, डबल की प्रॉब्लम भी काफी हद तक होती है, तो जो लाइन पे, पे अच्छे से कंटूरिंग कर रही हूँ क्योंकि डबल चिन काफी ज्यादा दिखता है इसका तो इसलिए जो लाइन पे कंटोरिंग कर रही हूँ ताकि कुछ हद तक हाइड हो सके देन फोरहेड की कंटोरिंग कर रही हूँ नोज की कंटोरिंग के लिए एक स्मॉल ब्रश का यूज कर रही हूँ तो इसलिए नोज की कंट्रोलिंग करने से Nose थोड़ी सी और सेप में दिखती है देन इसके बाद मैं अप्लाई ब्लस ब्यूटी का ब्लस पैलेट है इसमें से ये दोनों कलर को मिक्स करते हुए चिक बोन्स पे अप्लाई कर दूंगी तो पिंक प्लिक ब्लस हो जाएगा तो पिंक ड्रेस पहनने वाली तो सारा कुछ पिंक की पिंक की लगेगी एकदम तो थोड़ा सा नोज पे और पे भी अप्लाई करूंगी देन ये ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया पूरे फेस पे स्प्रे करके देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हल से डैब डैब कर लेंगे जितना मेकअप अभी तक हुआ है वो अच्छे से सेट हो जाएगा अब अप्लाई करूँगी हाईलाइटर ताकि जो हाईलाइटर वो बहुत ही अच्छे से पॉपअप होके आए देन एक स्मॉल ब्रश के हल से फेस के हाई पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ चिक बोन्स को ब्रिजॉब दानोजनोजिप फोरहेडिटबो चिन ब्रोबोन पे और इनर आई कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी देन हाईलाइटर पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर डैब डैप कर लूँगी ताकि हाईलाइटर भी अच्छे से सेट हो जाए लिपस्टिक के लिए मैंने ये नायका की लिपस्टिक यूज़ की है जो कि न्यूड लिपस्टिक है ज़ीरो फाइव लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट लग रहा था इसलिए उसने बाद में लाइट पिंक कलर के लिपस्टिक ऊपर से टॉपअप कर लिया है तो ये है फिनिश फाइनल लुक हेयर स्टाइल भी मैंने बनाया है जिसकी वीडियो आपको सेपरेट देखने को मिलेगी तो ये ओवर वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये काफी सिंपल सेटल वाला लुक है ये आई लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही इजी है क्रिएट करना और क्रिएट करने के बाद यू कैन सी कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो अभी के लिए बस इतना ही मिलती नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गाइस